हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है VAR वर्सेस DIC के बीच जो मैच होने वाला है, इस मैच की वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो यार मैच कवर करने जा रहे हैं और जो मैं इंटरनेशनल मैच मैच की जो वापसी हुई है, रिटर्न हुआ है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो ये वीडियो को देखना, मिस मत करना। डेफिनेटली देख लो, अपलोड मतलब ये डेफिनेटली देख लो। और यहाँ बात करते हैं, इस मैच को कवर करते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नया आया हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर। आपको स्क्रीन पे नाम भी दिखाई दे रहा होगा, ड्रीम इलेवन डॉक्टर। फिर आपको सर्च मारने में कोई दिक्कत आता है, स्पेलिंग एक बार आपको बताता कि आपको सर्च मारने में कोई दिक्कत ना हो। DREAM11 DOCTOR ड्रीम इलेवन डॉक्टर। जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको 10,500 प्लस सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखाई देगा, जिसमें फोटो लगी होगी ग्रैंड लीग में रैंक वन की। वही हमारा टेलीग्राम चैनल है और फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो प्रॉपर अगर बताता हूँ उसको फॉलो करो। और यहाँ पे आपको अपडेटेड टीम और फाइनल आफ्टर लाइनअप के बाद और टॉस के बाद जो फाइनल अपडेटेड टीम मिलने वाली है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर होगी। तो आते हैं फटाफट मैच के बारे में, ज़्यादा बात इधर उधर की नहीं करते और शॉर्ट में निपटाते। तो आप DIC के स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे ए भगत की बात करें तो यहाँ पे 4 मैच में 68 रन है, तो 17 की एवरेज है। आई थिंक ये खेल नहीं रहा, और यहाँ पे आपके लिए हो सकता है मतलब ये कि विकेट कीपिंग ये नहीं कर रहा, विकेट के बहुत शॉफ कर रहा है, तो इसको लेंगे टीम में। इसको विकेट कीपिंग नहीं कर रहा था, फायदा नहीं है। इसके स्टैट्स भी बैटिंग एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ बात करें आपके लिए एम ओ कॉर्नर की बात करें तो 20 मैच में 774 रन से बैटिंग में दिखा, तो काफ़ी डिसेंट एवरेज है। और मतलब 40 के आसपास की एवरेज है, एटलीस्ट 35 की एवरेज है, तो बहुत डिसेंट बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में ओपनिंग कर रहा है, तो अपनी टीम में डेफिनेटली लेके जाना है और ओपनिंग कर रहा है। और दूसरी बात करें पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता, कभी कभार 20 मैच में 2 विकेट्स भी हैं। एन खान की बात करें तो ठीक ठाक बैटिंग एवरेज है, बट हमारे पास बैटिंग ऑप्शन में अगर मेरे को ऐसा प्लेयर मिलता जो बॉलिंग करता है तो उसको डेफिनेटली इसके ऊपर प्रेफर करने वाले हैं। तो इसको स्मॉल लीग में मैं प्रेफर नहीं करने वाला, ग्रैंड लीग में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एस पंचाल के भी ठीक ठाक स्टैट्स है, बट आप इसे भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, पर बॉलर बॉलिंग ये दोनों नहीं डालते, बैटिंग करते हैं सिर्फ। तो दोनों के लगभग बैटिंग में देखा तो डिसेंट एवरेज है, कोई इतनी बुरी नहीं है। तो आप इन दोनों में से जो भी खेलेगा डेफिनेटली इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करते हैं, स्मॉल लीग में हम किसी और के साथ जाएंगे। कतूरी की बात करें तो आपके लिए 12 मैचेस में 144 रन है, तो यहाँ पे 12 का मतलब एवरेज निकल के आ रहा है इसका लगभग, और मतलब पूरी 12 की एवरेज आ रही है और 3 विकेट ले चुका है। पर इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि ना बैटिंग से इतना अच्छा बैट्समैन लग रहा है, ना बॉलिंग से मुझे एक विकेट टेकर बॉलर और ना मुझे रेगुलर बॉलर लग रहा है, तो उसको अपनी स्मॉल लीग की टीम में मैं कंसिडर नहीं करने वाला। ऐश चौधरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता देख सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे 2 ओवर डालते हो डेफिनेटली मेरी टीम से दिखेगा, और काफ़ी डिसेंट बॉलर है, काफ़ी अच्छा बॉलर है, हिटिंग कर लेता है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, अगर उसको बैटिंग में प्रमोट करें तो आपको स्मॉल लीग में इसको अपनी टीम से मिस नहीं करना। प्लस आपके लिए ग्रैंड लीग टाइप में आपके लिए वाइस कैप्टन वगैरह के लिए अच्छी चॉइस बन सकता है। तो यहाँ पे 21 मैचेस में इसके 144 रन है बैटिंग से, हिटिंग कर लेता है अच्छी और लगभग हर मैच में एक विकेट देने की कैपेबिलिटी है, तो एक काफ़ी डिसेंट बॉलर है। अपने कोटे के 2 ओवर पूरे करेगा यहाँ पे ऐश चौधरी। आसिम बुखारी की बात करें तो आपके लिए 27 मैचेस में 297 रन है, 12 विकेट्स है, तो आपको स्मॉल लीग में तो बोलेंगे कि इसके लगभग मुझे लगता नहीं हर मैच में कि 2 ओवर डालेगा, बट फिर भी ये एक आधा ओवर डालता दिख सकता है और मिडल ऑर्डर बैटिंग करता हुआ दिख सकता है। तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लेना इसे बुखारी को, कि विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज की 2 मैच में लगभग 1 विकेट देने की कैपेबिलिटी लग रही है, और मुझे लगता है सिर्फ 1 ओवर डालेगा। और बॉलिंग में बात बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में कोई इतना अच्छा डिसेंट एवरेज नहीं है, 10 प्लस की एवरेज है, तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में से ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में मत करना यहाँ पे बुखारी को। सफ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए 13 मैचेस में 123 रन है, और यहाँ पे बात करें विकेट्स में तो 8 विकेट्स है, तो ठीक ठाक प्लेयर है, पर इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। बैटिंग से तो हटाओ इसे, बॉलिंग से देखें तो बॉलिंग में भी इतना इंपॉर्टेंट, पर मैच 1 विकेट भी नहीं आ रहा है, तो अपनी टीम से मैं स्मॉल लीग से मैं इसको करने वाला हूँ बाहर। अपनी ग्रैंड लीग की टीम आप इसे ट्राई कर सकते हो, बुखारी को ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे एन खान को। दुबे की बात करें टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है फर्स्ट डाउन, और अपने 2 ओवर 1 या 2 ओवर डालते हो डेफिनेटली दिख जाएगा। 22 मैचेस में 413 रन है, तो 413 रन के मतलब लगभग इसके 20 प्लस की एवरेज निकल के आ रही है बैटिंग में, अगर नेट आउट भी रहा होगा तो 25 प्लस की एवरेज निकल के आ रही है बैटिंग से, और यहाँ पे देखोगे लगभग हर मैच में आपको 1 विकेट देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो बहुत डिसेंट प्लेयर है अपनी टीम से, इसको मिस नहीं करना, स्मॉल लीग में डेफिनेटली लेके जाना। टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है और 1 से 2 ओवर डाल लेगा अपने। टोनी सिंह की बात करें 2 मैच में 2 विकेट है, तो ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट इससे इंपॉर्टेंट जो हमारी टीम में होने वाला है वो होने वाला है लैम कार्लसन। 16 मैच तो 32 विकेट का मतलब समझ पा रहे हो, लगभग हर मैच में आपको 2 विकेट देने की कैपेबिलिटी रखता है, और जो लास्ट मैच से खेला था उसे भी आई थिंक इसने 2 विकेट निकाले थे, तो एक अच्छा प्लेयर है आपके लिए यहाँ पे कार्लसन, इसको स्मॉल लीग से मिस नहीं करना, प्लस स्मॉल ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन तक भी कर सकते हो। तो आते हैं दूसरी टीम के स्टैट्स के ऊपर फटाफट से।
VAR के स्टैट्स की बात करें, यहाँ पे जावेद MSV की बात करें, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहा है और प्लस विकेट कीपिंग कर रहा है टीम के लिए, तो हम इसको अपनी टीम में ले सकते हैं एज अ विकेट कीपर जो हमें कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट दे सकता है। बैटिंग में इसकी 17-18 की एवरेज आ रही है तो ठीक ठाक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, पर विकेट कीपर है तो इसलिए अपनी टीम में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इरफान नज़ीर की बात करें, आई थिंक ये 2 मैच खेला नहीं, पर इसकी बैटिंग में एवरेज यहाँ पे 21 की आ रही है तो ठीक ठाक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। यहाँ पे मोहम्मद की बात करें, 5,070 रन, समझ पा रहे हो 5,070 रन का मतलब ये हो गया इसकी कि लगभग हर मैच में इसकी एवरेज आ रही है यहाँ पे 15 के आसपास की, 14-15 की। अब्दुल रहमान की बात करें यहाँ पे, तो ये आपको बॉलिंग से इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग पा रहा ना बैटिंग से, तो इन तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल सकते हो, तो आप इनमें से किसी एक को लेना तो नज़ीर को ट्राई कर सकते हो या मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो। आपको रहमान को थोड़ा कर रहा हूँ मैं टीम से बाहर, स्मॉल लीग में मैं प्रेफर नहीं करने वाला। सैफ सिरजात की बात करें, 2 मैच में 2 रन है तो ये भी बाहर हो गया। नज़ीब अकलकी की बात हो गई, तो यहाँ पे 11 मैचेस में 73 रन है 9 विकेट से, और आज इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, आई थिंक 2 विकेट भी ली इसने, 2 ओवर डाले थे, और यहाँ पे इसने कुछ अच्छी इनिंग भी खेली थी आई थिंक अपनी टीम से, जिसने सबसे अच्छी इनिंग मतलब इसी ने सिर्फ अच्छी इनिंग खेली थी, 40 के आसपास की इनिंग खेली थी, बाकी सब रहे थे फ्लॉप अपनी टीम के लिए। और ये के लिए स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन वगैरह की कैप्टन की बहुत ही चॉइस रहने वाला है इनकी टीम से, जो बेस्ट प्लेयर है वो यही है। और मुझे VAR की टीम थोड़ी वीक लग रही है यहाँ पे दूसरी टीम के अपोनेंट में देख कंपेरिजन में देखा जाए तो। आई रहमान के 4 मैच 20 रन 3 विकेट तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, स्मॉल लीग में इसको बाहर करके चलेंगे अपनी टीम से। काशिफ अजीज की बात करें, तो अपने 2 ओवर डालेगा पूरे मौका मतलब खेलेगा तो 2 ओवर डालेगा, एक तो कंफर्म डालेगा, आज उसने 1 ओवर डाला उसमें 1 विकेट लिया था, और बैटिंग भी कर रहा है फर्स्ट डाउन, तो अपनी टीम में आपको अकलकी को जरूर ट्राई करना है स्मॉल लीग में, यहाँ पे अजीज़ को भी ट्राई करना है, और यहाँ पे आपके लिए बनता है एक ऑप्शन MSI को ले सकते हो, यहाँ पे नज़ीर हो गया। और यहाँ की बात करें तो आपको ठीक प्लेयर है बट इतना परफॉर्मर नहीं है, एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, आप इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ऐसा बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करने आया था और बॉलिंग में इसके कंफर्म नहीं कितने ओवर डालेगा, तो एक थोड़ा ऐसा प्लेयर है फ्लक्चुएट कभी भी ऊपर नीचे, और बॉलिंग करवा भी सकते हैं नहीं भी, तो ठीक प्लेयर है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा। इसके ऊपर हम प्रेफर करने वाले हैं अनवर को, जो बहुत अच्छा बॉलर है, 2 विकेट इसने आई थिंक 1 या 2 विकेट आज इसने लिए भी और 2 ओवर डाले भी, तो हमने चौथा ऑप्शन ये होने वाला है। सनागुल की बात करें तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग में पिक होने वाला है, एक मैच में खेला उसमें 4 विकेट ले चुका है, और आज वाले मैच में इसने 1 ओवर डाला उसमें विकेट नहीं मिला था, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। आते हैं फटाफट दूसरी टीम टीम की क्रिया, आपके ऑलराउंडर में 4 ऑप्शन है, तो मैं आप विकेट कीपिंग अपनी टीम से VAR की तरफ से ये कर रहा है और यहाँ से कर रहा है बॉश ऑफ कर रहा है, तो अगर विकेट कीपिंग 2 कर रहा है तो हमें इन दोनों को ही देखना चाहिए अपनी टीम में, तो हम देख के चलते हैं। यहाँ पे मैं बॉश ऑफ ने DIC की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है तो विकेट मिलने के चांस VAR के ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, तो कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट यहाँ से बोशॉफ का ज़्यादा है तो आप इसे ले सकते हो बोशॉफ को। और बैटिंग करने का चांस इसको 2 मैच में 2 मैच में एक बार बैटिंग नहीं मिली बोशॉफ को, पर बैटिंग इसे 1 मैच में मिली थी, आज 1 रन मारे थे इसने, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, जो बैटिंग इसको चांस है मिलने के इसको थोड़े कम चांस है, पर विकेट कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट बोशॉफ के ज़्यादा इसके कम है। बाकी 2 को मैं इतनी टीम से इतना कंसिडर नहीं करने वाला स्मॉलिंग में। मैं कॉर्नर को ले सकते हो ओपन करने वाला, यहाँ पे नज़ीर खेला नहीं, अगर खेला तो अपनी टीम में ले सकते हो ग्रैंड लीग में। कटूरी की बात करें तो मैं कटूरी की नहीं, यहाँ पे मोमान ग्रैंड लीग लीसा को ले रहा हूँ, जो टॉप ऑर्डर है बैटिंग कर रहा है, सेकंड फर्स्ट डाउन सेवन सेकंड डाउन बैटिंग करने आएगा, रॉबिन्स आ रहा है टॉप ऑर्डर में, तो टॉप 3 जो 4 बैटिंग करने आने वाले हैं DIC की टीम से, उसमें एक मैकोनर है, एक नीली निसीला निसीला है, और यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे आपके रॉबिन्स, बाकी मेरे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा स्मॉल लीग के लिए। चौधरी अकलकी ये ग्रैंड लीग, दुबे अजीज कार्लसन, तो यहाँ पे मैं 7 प्लेयर हो गए इनके, तो ऐसा करो आप इसका विकेट कीपर इसका ले लो, कॉनियन एफ खान ले सकते हो, यहाँ पे आप हो गए यहाँ पे अनवर, यहाँ पे पी शुक्ला रह गया जो 2 ओवर डाल रहा था, इसने 2 मैच में 2 ओवर 2 2 ओवर डाले आई थिंक, 1 विकेट भी लिया है, तो आपके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे आपके लिए, अगर इनमें से कोई खेलता तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, इनमें से अगर नज़ीर या मोमान में से कोई खेलेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निसीला की जगह आप मोमान दी, जो भी नज़ीर जो भी खेलेगा उसको ले लेना, फिर आप यहाँ पे ले पाओगे नहीं यार, फिर भी दिक्कत आएगी आपको, तो यही टीम सही रहेगी मेरे ख्याल से, आप ऐसा कर सकते हो आप रॉबिन्स ये रहा नज़ीर ये रहा, तो आप ऐसा कर सकते हो फिर निशील मोमान को ले लेते हैं मिनट,
मान को लेते हैं, फिर अभी आप ऐसा कर सकते हो, अनवर की जगह आप क्या करोगे, शुक्ला ले सकते हो। इनकी टीम थोड़ी स्ट्रांग है तो ऐसा कर सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन बना लोगे जो यहाँ से बॉलिंग डालने वाले हैं। ये 2 ओवर डालने वाला है, ये 2 ओवर डालेगा, ये 2 ओवर डालेगा, चौधरी 2 ओवर डालेगा, यहाँ पे दुबे 1 डालेगा और 1 ओवर डाल सकते हैं यहाँ पे बुखारी, DIC की वजह से बुखारी डालेगा 1 ओवर। और इनकी टीम से 2 ओवर ये डालेगा, 2 ओवर ये डालेगा। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुक्ला की जगह यहाँ पे अनवर को लेते, 2 ओवर ये डालेगा, बाकी बाकी फ्लक्चुएट हो सकते हैं इनके बॉलर्स। तो हमें टेम्परेरी टीम फिलहाल ये बना लेते हैं, उनके 4 बॉलर्स प्लेयर्स हो गए, तो यहाँ पे मोमान को निकालो अभी, निसीला को ही लेते हैं। तो फिलहाल मेरी टेम्परेरी टीम है जो है, अगर लाइनअप के बाद कोई चेंज होता है तो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो टेम्परेरी टीम है, कैप्टन करके जा रहे हैं यहाँ से दुबे को कर लेते हैं, और यहाँ पे वाइस कैप्टन आप कह सकते हैं, यहाँ पे अखलकी को कर सकते हो, ग्रैंड लीग में आप कर सकते हो चौधरी को, और यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे कॉनियन और कार्लसन को ग्रैंड लीग में, कार्लसन को जरूर ट्राई करना और कॉनियन को भी। तो मेरी टेम्परेरी टीम है, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे दिखाई देगा उसको दबाना, तो घंटी दिखाई देगी, बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबाना, उसको दबाने का फायदा है कि वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग में ये चॉइस हो गई, ये चॉइस हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर मारना। और दूसरी बात करें, यहाँ पे विकेट कीपिंग में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पर आप एक टीम के साथ ही प्लेयर ले सकते हो, तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा निसीला को ले सकते हो क्योंकि बैटिंग में थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे आप VAR का बैट्समैन लोगे तो फिर आप यहाँ पे इसको ले सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। वो मांद खेलेगा या फिर नज़ीर खेलेगा, तो ऐसा कर सकते हो, निशीला की जगह वो ले सकते हो, उसकी जगह फिर आप ले पाओगे यहाँ पे कहता हो बॉशॉफ। तो मेरी टेम्परेरी टीम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह करके आना, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।